अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीबॉडी। डियर स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश का एक और यूनिट सॉरी यूनिट नहीं पोएम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट जो पोएम है हमारी इंग्लिश की वो है द टाइगर एंड द डियर। तो चलिए देखते हैं ये जो पोएम है द टाइगर एंड द डियर, यानी टाइगर आपको मालूम हम शेर को बोलते हैं और डियर मतलब हिरन को बोलते हैं। तो ये टाइगर और डियर की एक पोएम है और इंटरेस्टिंग है और इमोशनल भी है, तो हम अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। और ये जो पोएम जो लिखे हैं वो कौन, श्री अरोबिंदो। चलिए पोएम स्टार्ट करने से पहले हम इस पोएम में के सभी जो है सो अल्फाज माने एक बार देख लेंगे क्विकली, फिर हम जो है सो पोएम पढ़ेंगे। ओके, लेट्स मूव ऑन। चलिए बच्चों, तो ये टाइगर एंड द डियर पोएम हमारे और उसके मीनिंग जो है सो मैंने निकाल के रखा हूँ। तो सरसरी तौर पर हम इसको जल्दी से देखेंगे अल्फाज मानों को, ताकि जब हम पोएम पढ़ना स्टार्ट करें तो हमें हेल्प हो। ठीक है, तो चलो देखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जो चीज़ है थिंग, थिंग मतलब चीज़ को बोलते हैं, कोई भी चीज़ यानी थिंग। जॉय मतलब खुशी या मज़े को बोलेंगे। फॉरएवर मतलब हमेशा के लिए, जो हमेशा हमेशा रहता है उसको फॉरएवर बोलते हैं। और एटीट्यूड, एटीट्यूड मतलब रवैया, जो रवैया रहता है ना उसको एटीट्यूड कहते हैं। सेंस, सेंस का मतलब है एहसास। अप्रोच, अप्रोच का मतलब रसाई या पहुंचना, यानी कहीं पहुंचना या रसाई करने को हम अप्रोच बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट की मीनिंग है तसव्वुर के, यानी किसी चीज़ का तसव्वुर, उसको कॉन्सेप्ट बोलते हैं। इविल, इविल मतलब बुराई, बुरा काम, बुराई या शैतानी काम जो भी है उसको इविल बोलेंगे हम। नेक्स्ट है इनोसेंट, इनोसेंट के मीनिंग होता है मासूम के। और क्रूल, क्रूल का मतलब होता है जालिम, संगदिल, पत्थर दिल, बेरहम, जो भी बोलते हैं ना उसको क्रूल बोलते हैं। चलिए आगे देखेंगे थीम, थीम का मतलब मौजू को बोलेंगे या कोई ख्याल, कौन से भी थीम रहते ना, किस थीम के ऊपर ये पोएम है बोले, जैसा किस मौजू पर है तो उसको थीम बोलते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में उसको मौजू बोलते हैं, या ख्याल, यानी पोएम में क्या ख्याल है पोएट का। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट का मतलब शानदार, अच्छा शानदार जिसको बोलते हैं ना ब्रिलियंट। नेक्स्ट है क्राउचिंग या क्राउच का मतलब है घुटनों के बल झुक के आना, है दबे पाँव या बोल सकते हैं इसको घुटनों के बल बोल के बोलो। स्लाउचिंग मतलब झुक झुक के, यानी झुक झुक के आते ना एकदम, तो उसको स्लाउचिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है क्रेप्ट, क्रेप्ट मतलब घुसाना, यानी कहीं अंदर घुसना करने को क्या बोलेंगे क्रेप्ट जी। तो नेक्स्ट क्रेप्ट के बाद जो है सो ग्लीमिंग, ग्लीमिंग मतलब चमक, चमकती हुई रोशनी को ग्लीमिंग कहते हैं। फिर और आगे देखिए माइटी, माइटी का मतलब अजीम, गालिब, बड़े को बोलते हैं। चेस्ट, चेस्ट मतलब सीना, यानी सीने को चेस्ट बोलते हैं। आगे साउंडलेस, साउंडलेस का मतलब बिना आवाज़ किए हुए, यानी बिना साउंड के उसको साउंडलेस बोलेंगे। पाउस, पाउस मतलब पंजे, पंजे रहते ना पैरों के हाथों के जो पंजे हैं उनको पाउस बोलते हैं। ग्रैंडियर, ग्रैंडियर का मतलब है बेहतरीन खासियत, यानी कोई अच्छी क्वालिटी जो रहती है ना उसको ग्रैंडियर बोलते हैं। मर्डर, मर्डर का मतलब कत्ल करना, कत्ल। स्लिप, स्लिप का मतलब खिसकना या फिसलने को स्लिप कहते हैं। लीव्स, लीव्स मतलब पत्ते, जो दरख्तों वगैरह के पत्ते रहते हैं ना प्लांट्स के, ट्रीज के, वो पत्तों के लीव्स बोलते हैं। अफ्रेड, अफ्रेड मतलब घबराहट, यानी घबरा जाने को अफ्रेड कहते हैं। लेस्ट, लेस्ट मतलब डर से कि ऐसा ना हो, यानी एक डर कुछ हो ना जाए तो उसको लेस्ट बोलते हैं। आगे वॉइस, वॉइस का मतलब है आवाज़। नॉइस का मतलब है शोर। स्टेप्स मतलब कदम। आगे देखेंगे परटर्ब, परटर्ब का मतलब खलल, खलल या दखल, डिस्टर्बेंस जिसको बोलते हैं ना इंग्लिश में, वो उसको परटर्ब या खलल बोलते हैं। नेक्स्ट पिटीलेस, पिटीलेस का मतलब है बेरहम, जिसमें रहम नहीं रहता, ज़ालिमाना जिसको बोलेंगे तो उसको पिटीलेस बोलेंगे। नेक्स्ट स्प्लेंडर, स्प्लेंडर मतलब अच्छी खासियत जो सबको दिखे, यानी कुछ ऐसी खासियत या क्वालिटी जो सब देखते हैं। स्प्लेंडर, स्प्लेंडर मतलब गाड़ी हो, गाड़ी भी, गाड़ी का नाम भी है ना स्प्लेंडर, यानी वो भी अच्छी दिखती है इसलिए नाम स्प्लेंडर रखें। चलिए डेयरिंग, डेयरिंग का मतलब होता है हिम्मत। आगे देखेंगे ब्रीथ, ब्रीथ का मतलब सांस,
सांस लेना, फैटल, फैटल का मतलब है मोहलिक या जानलेवा, यानी हलाक करने वाला या जानलेवा, जो भी उसको फैटल बोलेंगे। नेक्स्ट है ड्रैंक, ड्रैंक मतलब पीना, ड्रिंक ड्रैंक तो पीने को बोलते हैं, यानी पीना कोई चीज़ से, यानी ड्रैंक यानी पी गया। नेक्स्ट है अनसस्पेक्ट, अनसस्पेक्ट बोलते जो ना सोचा, यानी जो नहीं सोचते, हम ये नहीं सोचे थे हो गया बोलते ना, तो उसको अनसस्पेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है पुल, पुल मतलब जोड़, यानी कोई जोड़, मतलब पुल रहते ना ब्रिज वगैरह, एक तो अलग अलग रास्तों को जोड़ना, उसको पुल बोलते हैं। नेक्स्ट है शैडो, शैडो का मतलब साया, जो छांव बोलते हैं हम, शैडो वो वाला। नेक्स्ट है फेल, फेल का मतलब है गिर जाना, गिरने को फेल बोलते हैं। नेक्स्ट है टॉर्न, टॉर्न मतलब फाड़ना, किसी चीज़ को फाड़ना मतलब टॉर्न बोलेंगे। डाइड का मतलब है मर जाने को बोलते हैं, डाइड डेथ होता है ना। नेक्स्ट रिमेंबर, रिमेंबर मतलब याद करना। मेट, मेट मतलब साथी, जैसे क्लासमेट, रूममेट रहते ना, मेट, मेट का मतलब साथी के होते हैं। और सोल, सोल मतलब वाहिद यानी अकेला, जो बोलते ना उसको सोल बोलते। वुडलैंड, वुडलैंड मतलब जंगल का इलाका, जो जंगल का इलाका रहता है ना उसको वुडलैंड बोलते। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मतलब ख़त्म या तबाह, तबाह हो जाना, ख़त्म हो जाने को डिस्ट्रॉय कहते हैं। माइल्ड मतलब हल्का फुल्के को माइल्ड कहते हैं। हार्मलेस यानी बेज़रर, नुकसान ना देना है, जो चीज़ नुकसानदार नहीं देती है, नुकसान नहीं करती, उसको हार्मलेस बोलते हैं। मैमोथ, मैमोथ का मतलब जस्साम या बड़ा, एक बड़ी चीज़ या मैमोथ, मैमोथ एलिफेंट जैसा एंशिएंट में बोलते थे पहले, तो वो उसको क्या है, मैमोथ बोलते हैं, जस्साम बड़ा। नेक्स्ट है शेक, शेक मतलब हिलना, हिलने को बोलते हैं। प्लेन्स, प्लेन्स का मतलब मैदान, खुले मैदान, बड़े मैदान जो रहते हैं उसको प्लेन बोलते हैं। नेक्स्ट पेरिश, पेरिश का मतलब हलाक या ख़त्म। स्लेन, स्लेन का मतलब मकतूल, यानी जिसका कत्ल हो जाता है ना उसको मकतूल कहते हैं। सर्वाइव, सर्वाइव का मतलब बाकी रहना या ज़िंदा रहने को सर्वाइव बोलते हैं। स्लेयर, स्लेयर का मतलब खूनी, जो खून करता है ना, खातिल, उसको स्लेयर बोलते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे द टाइगर एंड द डीर पोएम में के कुछ अल्फाज, माने मीनिंग वर्ड्स बोलेंगे, जो अब हमको आगे पोएम में हेल्प होंगे ये सारे, क्यों बहुत सारे टफ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम फर्स्ट टाइम सुने हैं, तो इसलिए क्या है उसको पहले से अगर मालूम कर लिए तो हम आगे पोएम पढ़ते जब आसानी होगी। तो एक दफ़ा इसको देख लीजिए, फिर हम जो है सो पोएम को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा है इसके अंदर, क्यों बोले तो बहुत सारे टफ वर्ड्स हैं जो हम फर्स्ट टाइम सुने हैं, खासकर पोएम्स में ज़्यादा हार्ड अल्फाज रहते हैं, वर्ड्स रहते हैं, क्योंकि पोएट्स बहुत अच्छी वाली भारी इंग्लिश यूज़ करते हैं, इसलिए थोड़ा टफ जाता हमारे को, ठीक है। तो हम फिर भी इसके सारे हम निकाल लें, इंशाल्लाह हमारे को आसानी होगी। चलिए तो चलते हैं हम पोएम की तरफ, देखते हैं कि श्री अरोबिंदो ने क्या लिखा है इस पोएम में, ठीक है। चलिए लेट्स मूव ऑन। तो ये हमारी पोएम है द टाइगर एंड द डीर, तो बी फोकस, आराम से सुनिए, देखेंगे कि क्या बता रहे हैं इसमें टाइगर एंड द डीर, शेर और हिरन के बारे में। तो सबसे पहले हम प्री रीडिंग एक्टिविटी देखेंगे, क्या है प्री रीडिंग एक्टिविटी में। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या बता रहा, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, जॉन किट्स। चलिए तो यहाँ पर जॉन किट्स नामी एक शख्स ने एक थॉट लिखा है अपना, क्या बता रहा है वो, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर थॉट है। इसका मतलब यह होता है ए थिंग ऑफ ब्यूटी जी, तो इसका मतलब यह है कि खूबसूरत चीज़ जॉय फॉर एवर यानी हमेशा खुशी देती है, यानी हमेशा की खुशी बोलने का मतलब इस थॉट का, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, खूबसूरत चीज़ हमेशा खुशी देती है यानी हैप्पीनेस देती है, बल्कि बता रहे हैं। चलिए तो आगे बढ़ेंगे हम प्री रीडिंग एक्टिविटी में क्या बता रहे हैं बात यहाँ पर। फर्स्ट वन देखिए यहाँ पर, एनिमल्स हैव अ मच बेटर एटीट्यूड टू लाइफ एंड डेथ देन ह्यूमन बींग्स। बात यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो एनिमल्स हैं, जानवर, उनके अंदर मच बेटर एटीट्यूड रहता है, यानी अच्छा वाला एटीट्यूड, रवैया होता है, किस लिए, लाइफ एंड डेथ को लेकर, यानी जिंदगी और मौत का कंपेरिजन टू
ह्यूमन बींग्स, यानी इंसानों से कई ज़्यादा अच्छा रवैया रहता गया था जानवरों का ज़िंदगी और मौत के लिए, यानी जिंदा या ज़िंदगी और मौत जो भी है इस चीज़ को लेकर मच बेटर एटीट्यूड, यानी बहुत ही अच्छा एटीट्यूड रहता गया जानवरों के अंदर, हम इंसानों से भी। क्यों कहते हैं दे सेंस द डेथ व्हेन टाइम अप्रोचेस, क्योंकि जो जानवर हैं वो सेंस कर लेते हैं, यानी एहसास हो जाता है, कहते महसूस कर लेते हैं उन्होंने मौत उनकी जब करीब आती है, पहुंचती है, तो उनको पता लग जाता है, कहते हम मरने वाले हैं बोल के। शायद होता होगा अब यहाँ पर जिस तरह से बात साहब में आ रही है, तो यहाँ जो बता रहे हैं वो यही के ऑरोबिंदो के जानवर जो है सो अपनी मौत को पहले ही सेंस कर लेते हैं, यानी महसूस कर लेते हैं। ठीक है, देखेंगे आगे क्या है। और द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड एंड इविल, राइट एंड रॉन्ग, इनोसेंट एंड क्रूल, लाइफ एंड डेथ एक्सेट्रा ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड डू नॉट अप्लाई टू द वर्ल्ड ऑफ द वाइल्ड। अच्छा, तो यहाँ पे और बता रहे हैं कि जो कॉन्सेप्ट है, तस्वुर जिसको बोलेंगे हम, कॉन्सेप्ट किस चीज़ का कॉन्सेप्ट, गुड एंड इविल यानी अच्छा और बुरा, राइट एंड रॉन्ग सही और गलत, इनोसेंट एंड क्रूल मासूम और जालिम, लाइफ एंड डेथ जिंदगी और मौत, ये सारे चीज़ें क्या है ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड डू नॉट अप्लाई टू द वर्ल्ड ऑफ द वाइल्ड लाइफ। ये पूरे चीज़ें जो बता रहे हैं, अच्छी बुरा सही गलत मासूम जालिम जिंदगी मौत, ये सारे चीज़ों में जानवरों का सेंस कई ज़्यादा अच्छा रहता है, कहते हम इंसानों से, बोलिए ऐसी बात यहाँ पर मालूम हो रही है हमारे को। ठीक है, आगे बता रहे रीड द पोएम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द थीम। अब हमारे को पोएम रीड करना है और इसके अंदर क्या थीम है, किस मौजू पर बात हो रही है, उसको ट्राई टू अंडरस्टैंड करो, बोले समझने की कोशिश करो। ठीक है, हम देखेंगे पोएम पढ़ेंगे और समझेंगे कि आखिर ये पोएम में क्या थीम है। ओके, चलिए रीड एंड एंजॉय द पोएम। चलो रीड करते हैं। फर्स्ट यहाँ पर देखिए, ब्रिलियंट क्राउचिंग स्लाउचिंग व्हाट क्रेप्ट थ्रू द ग्रीन हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, ग्लीमिंग आईज एंड माइटी चेस्ट एंड सॉफ्ट साउंडलेस पाउस ऑफ ग्रैंडियर एंड मर्डर। चलिए, तो एक स्टैंजा ये हमारा हुआ, इसमें क्या बात सामने आ रही देखिए, ब्रिलियंट क्राउचिंग स्लाउचिंग व्हाट क्रेप्ट, यानी ब्रिलियंट, ब्रिलियंट का मतलब क्या है हमारे पास, शानदार अच्छे तरीके से जो बोलेंगे, तो ब्रिलियंटली क्राउच हो रहा और स्लाउच हो रहा, यानी बड़े ही शानदार तरीके से क्राउचिंग स्लाउचिंग माने झुकते हुए दबे पाँव से झुक झुक कर, व्हाट क्रेप्ट यानी घुसाना, तो बता रहे यहाँ पर एक शानदार तरीके से दबे पाँव से झुकते हुए घुस रहे हैं, कहाँ घुस रहे हैं, थ्रू द ग्रीन हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, यानी जो फॉरेस्ट है, ग्रीन हार्ट मतलब एक हरा भरा जो जंगल रहता है, वो जंगल में आहिस्ता आहिस्ता दबे पाँव से कोई आगे बढ़ रहा है। और क्या बता रहे हैं आगे, ग्लीमिंग आईज एंड माइटी चेस्ट एंड सॉफ्ट साउंडलेस पाउस ऑफ ग्रैंडियर एंड मर्डर। अच्छा, तो आँखों में एक चमक रोशनी लेकर, माइटी चेस्ट सीना, जो बड़ा सीना बोलते ना, सीने में कुमंग या जो जो भी है लेके, माइटी चेस्ट एंड सॉफ्ट साउंडलेस, बहुत ही नरमी से बिना आवाज़ किए हुए, साउंडलेस पाउस ऑफ ग्रैंडियर, जो पंजे हैं, पंजे रहते ना पैरों के या हाथों के जो भी पंजे हैं, वो पंजों को क्या है, बेहतरीन खासियत से ग्रैंडियर अच्छे खासियत से आगे बढ़ते हुए मर्डर करने जा रहे हैं। अच्छा, तो ये जो फर्स्ट स्टैंजा में बता रहे हैं कि शिकार किस तरह से होता है, एक शिकार करने वाला जो शिकारी रहता है, चाहे वो इंसान रहते या जानवर, जब शिकार करते तो किस तरह से देखते हैं कि हम भी अपने घरों में ख़ासकर जो बिल्लियाँ हम घर में पालते हैं, जो पेट एनिमल आज है, जब वो किसी चूहे का शिकार करते तो उसको कभी गौर से देखें होंगे आप लोगों का, कितने दबे पाँव से अपने शिकार के ऊपर नज़र रखते हुए धीमे धीमे से आगे बढ़ती है। तो वही चीज़ यहाँ पे हम आपको मालूम हो रही है, देखो यानी ब्रिलियंट, एक शानदार तरीके से दबे पाँव धीरे धीरे से घुसते हुए जंगल में, अब ये जंगल का शेर का बता रहे हैं यहाँ पर, इसलिए जंगल में जो है सो आहिस्ता से आँखें अपने जो है सो एक जगह यानी फोकस करके रोशनी लिए हुए, बिना आवाज़ किए साउंडलेस, अपने पंजों से थोड़ी भी आवाज़ नहीं आना, एकदम अच्छे खासियत से अपने मर्डर यानी जिस जो शिकार है उसकी तरफ बढ़ रहा है ये। ठीक है, समझ में आ गया ना बात, तो ये बता रहा है, अब आगे देखेंगे। और द विंड स्लिप थ्रू द लीव्स एज इफ अफ्रेड लेस्ट इट्स वॉइस एंड द नॉइज ऑफ इट्स स्टेप्स पर्टर द पिटीलेस स्प्लेंडर हार्डली डेयरिंग टू ब्रीथ।
अच्छा तो आगे क्या बोल रहा है नहीं, तो वाइल्ड द विंड स्लिप थ्रू द लीव्स एज इफ अफ्रेड, यानी इन्हें एकदम बहुत ही धीमे तरीके से एकदम होशियारी से जब आगे बढ़ रहा उन्हें अपने शिकार की तरफ, उस टाइम अगर हवा चली, हवा चलने की वजह से क्या हो गया, जो लीव्स हैं पत्ते जंगल में रहते ना वो अगर स्लिप हो गया ज़रा हले करे तो एकदम डर जाता है। नहीं क्यों डरता है कि भाई ने बड़े ही एहतियात से अपने शिकार की तरफ से आवाज़ से क्या शिकार भाग जाता है, तो उन्हें क्या है डरते हुए ये हवा ही तो भी एकदम अपने आप को बचते बचाते हुए जा रहा, एकदम हवा भी तो खुद घबरा जा रहा है। नहीं कौन जो शिकार करने वाला शेर, लेस्ट इट्स वॉइस एंड द नॉइस, जो अपनी आवाज़ है अपने अंदर दबा के रख रहा उन्हें कि कहीं डर से कि कहीं कुछ ख़राब ना हो जाए, ख़राब ना मतलब अपना जो शिकार भाग ना जाए, ऑफ इट्स स्टेप्स पर्टर, और इसके जो पाँव हैं जो कदम जो बढ़ा रहा है उन्हें वो कदम से जो है सो खलल ना हो, डिस्टर्बेंस ना हो आजू बाजू, कुछ भी पत्ते वगैरह रहते ना पैर रखे हल गया आवाज़ आ गई जो शिकार था भाग गया, तो इसलिए क्या है सारे चीज़ों को ध्यान रखते हुए बड़े ही एहतियात से वो आगे बढ़ रहा है सारी चीज़ों को ध्यान में रख के। द पिटीलेस स्प्लेंडर हार्डली डेरिंग टू बिथ, यानी देखेंगे तो शेर को यहाँ पर पिटीलेस कहा जा रहा है, पिटीलेस मतलब बेरहम, यानी तो जालिमाना, जालिमाना तौर पर क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि उन्हें शिकार करते ना, तो ये जो पेटिलस है जालिमाना जालिम टाइप एकदम शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है और हार्डली डेरिंग टू ब्रीथ, अपनी सांस को बहुत रोक के बहुत मुश्किल से सांस लेते हुए उन्हें आगे बढ़ रहा है। ये सारे चीज़ें कर रहा इसलिए है ताकि अपना शिकार ना भाग सके, ठीक है। तो सारा उसका शिकार करने का है तरीका बता रहे हैं कि भाई कैसे कैसे वो अपने शिकार की तरफ आगे बढ़ रहा है, ठीक है। ये होगा दूसरा स्टंजा, आगे देखेंगे। चलिए तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट में क्या बता रहा नेक्स्ट स्टांजा में नो कि बट द ग्रेट बीस्ट क्राउच एंड क्रेप्ड एंड क्रेप्ड एंड क्राउच अ लास्ट टाइम नॉइजलेस फैक्टर, तो जिस तरह से ने आगे बढ़ रहा था ऐसे ही, यानी जो हम पीछे देखे दबे पांव धीरे से अपने सांस को रोके हुए आँखों को एक जगह रख के फोकसली जो इन्हें बढ़ रहा था ऐसे ही बढ़ते रहता जाता, बीस्ट मतलब जानवर को बोलते हैं हैवान, तो क्राउच करते हुए क्रेप्ट करते हुए क्रेप्ट करते हुए धीरे धीरे अंदर घुस रहा है और झुकते हुए दबे पांव लास्ट टाइम तक बिना आवाज के हुए फैटल कर रहा है। फैटल का मतलब क्या है हमारे पास यहाँ पर, जानलेवा, यानी पूरे तैयारी के साथ जानलेवा हमला कर देता है किसके ऊपर, जी हिरन के ऊपर करने वाला है, कर दिया समझो। टिल सडनली डेथ लीप्ड ऑन द ब्यूटिफुल वाइल्ड डियर एज इट ड्रैंक, पूरे होशियारी के साथ जो है सो सडनली एक छलांग लगाता है, उन्हें छलांग लगाता कौन सी मौत की छलांग, किसकी मौत, हिरन की, यानी छलांग लगाता टिल सडनली डेथ लीप्ड, लीप का मतलब छलांग लगाना या कूदने को बोलते, अपने शिकार की तरफ कूदता है और शिकार कैसा है ब्यूटीफुल है खूबसूरत है, कैसा हिरन अच्छी रहती ना खूबसूरत, तो अपने खूबसूरत शिकार के ऊपर एक छलांग लगाता है, वो भी कैसी जानलेवा फैटल वाली छलांग लगाता है और छलांग लगा के उसको पकड़ लेता है, पकड़ के ड्रैंक उसको पी जाता है, पीने का मतलब शेर क्या करता है हमेशा खून पीता, तो इस तरह से अपने शिकार पर उन्हें धावा बोलते हैं, यानी इतनी तैयारियां करते हुए शेर किस तरह शिकार करता है वही बात यहाँ पर हमारे को मालूम हो रही है। तो फाइनली अपने शिकार पर छलांग भी लगा दिया और जानलेवा हमला करके उसका खून पी गया। अब आगे देखेंगे। अनसस्पेक्टिंग फ्रॉम द ग्रेट पूल इन द फॉरेस्ट कूलनेस एंड शेडो एंड इट फेल एंड टॉर्न डाइड रिमेम्बरिंग इट्स मेट लेफ्ट सोल इन द डीप वुडलैंड, जी अब आगे क्या होता है देखिए। अनसस्पेक्टिंग फ्रॉम द ग्रेट पूल इन द फॉरेस्ट कूलनेस एंड शेडो, अब ये जो हिरन थी जिसका शिकार हो गया उन्हें ऐसा सस्पेक्ट भी नहीं करी थी, सोची भी नहीं थी, अनसस्पेक्ट था उसको, बिना ऐसा क्या उसको पता था कि मेरा शिकार होने वाला है, मैं ख़त्म होने वाला हूँ, उन्हें तो क्या करी थी ग्रेट पूल पे जो जंगल में है फॉरेस्ट में कूनलेस में उसके जो ठंडा जंगल रहता है छाँव में मस्त अपना आप उन्हें जो भी अपना चर रही थी खाना वगैरह खा रही थी गज़ा उसकी जो भी है घास फूस चर रही थी, सोची भी नहीं थी उन्हें अनसस्पेक्ट के मेरे ऊपर ऐसा हमला होगा, मगर हुआ क्या, हमला हो गया, क्या हुआ एंड इट फेल गिर गए उन्हें, यानी छलांग लगाते हैं शेर गिर गए, इसे गिरा दिया गया, फेल डाउन टॉर्न उसे फाड़ दिया गया डाइड और मार दिया गया किसको, जी हिरन को, जब मर रही थी वो उसकी जान जा रही थी तो रिमेम्बरिंग इट्स मेट तो उसको याद आ रहे थे उसके कौन मेट्स, यानी उसके साथी, शायद साथियों को छोड़ कर कहीं दूर आई थी, यानी अकेला
अकेले हिरन देख के शिकार या शेर शिकार करता तो इन्हें जब मर रही थी यानी जब जान जा रही थी रिमेम्बरिंग इट्स मेट उसके साथियों को याद कर रही थी लेफ्ट सोल इन द डीप वुडलैंड अपने आप को एकदम अकेला फील कर रही थी डीप गहरे जंगल में अकेली जान जा रही थी। तो ये एक मंजर बता रहे हैं एक वहाँ पर का कि किस तरह से हिरन जो है सो अपनी जान खो रही थी शेर के हाथ। तो आगे देखिए क्या बता रहे हैं डिस्ट्रॉयड द माइल्ड हार्मलेस ब्यूटी बाय द स्ट्रॉन्ग क्रूल ब्यूटी नेचर। तो आगे बता रहे हैं कि भाई तबाह हो गई यानी ख़त्म हो गई कौन हार्मलेस ब्यूटी यानी ऐसी चीज़ तबाह हो गई जो किसी को नुकसान नहीं देती थी यानी हिरन क्या है किसी को नुकसान नहीं देती ना तो जो नुकसान नहीं देने वाले हल्की फुल्की माइल्ड हार्मलेस ब्यूटी जो खूबसूरत हिरन थी वो डिस्ट्रॉय हो गई तबाह हो गई ख़त्म हो गई यानी मर गई किससे स्ट्रॉन्ग एंड क्रूल ब्यूटी से मतलब मजबूत और जालिम जो शेर है उसके ज़रिए इसको डिस्ट्रॉय किया गया यानी तबाह किया गया। आगे बता रही बट ए डे येट कम व्हेन द टाइगर क्राउच एंड लीव्स नो मोर इन द डेंजरस हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। आगे बता रही हूँ कि एक दिन ऐसा भी आएगा शायर का ख्याल है ये कि जो पोएट बता रहे हैं यहाँ पर कि एक दिन बट ए डे मे येट कम व्हेन द टाइगर क्राउचेस एंड लीप्स नो मोर टाइगर ना धीरे से दबे पाँव से कहीं घुसेगा और ना छलांग मारेगा और कोई ख़तरा नहीं रहेगा फॉरेस्ट में एक दिन ऐसा आएगा बोलकर बता रहा हूँ मैं। एज द मैमोथ शेक्स नो मोर द प्लेन्स ऑफ एशिया स्टिल देन शॉल द ब्यूटिफुल वाइल्ड डियर ड्रैंक फ्रॉम। तो ऐसा होगा कि जो बड़े मैमोथ शेख मतलब ये मैमोथ जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर जो अजीम बड़ा यानी एक पर्टिकुलरली मैमोथ का मीनिंग एक पुराना हाथी मैमोथ एलिफेंट बोल को यूज़ करते हैं तो यहाँ पर यूज़ करने का ये मतलब है इस पोयम में कि जो जंगल में जो बड़े हैं जो अजीम अपने इसमें अपने आप को बड़े समझ कर छोटे चीज़ों ख़त्म करते हैं तो ये नहीं रहेंगे नो मोर द प्लेन्स ऑफ एशिया मतलब एशिया के जो जंगल हैं नहीं रहेंगे ये लोग ख़त्म हो जाएंगे कोई ख़तरा नहीं रहेगा स्टिल देन शाल द ब्यूटी वाइल्ड डियर ड्रिंक फ्रॉम द कूलनेस ऑफ ग्रेट पूल्स इन द लीव शैडो। और जो ये ब्यूटीफुल वाइल्ड डियर है जो हिरन है बिना खौफ के बिना डर के पानी पियेंगी ड्रिंक फ्रॉम द कूलनेस ठंडा पानी ग्रेट पूल्स यानी पूल्स में से पानी पियेंगी पत्तों के शैडो में रहेंगी किसी डर के बिना यानी शायर बता रहा है कि भाई ऐसा भी दिन आएगा एक दिन के किसी का डर नहीं रहेगा कुछ नहीं और वो बिना डरे घूमेंगे फिरेंगे जंगल में ठंडा रहेंगे छाँव में वगैरह बोल के बता रहा और द माइटी पेरिश इन देर माइट और जो बड़ा पेरिश पेरिश का मतलब क्या है हमारे पास यहाँ पर जी पेरिश का मतलब हलाक करने वाले जो बड़े हैं जानवर जो हलाक करते उन खुद हलाक हो जाएंगे अपने बड़ेपन में द माइटी पेरिश इन देर माइट यानी जो हलाक करने वाले हैं वो खुद हलाक हो जाएंगे द स्लेन सर्वाइवर द स्लेयर। अब आगे क्या बता रहे हैं जो मकतूल हैं जो कत्ल हो रहे थे वो लोग जिएंगे खूनी नहीं मतलब जो कत्ल करने वाले वो नहीं रहेंगे बल्कि जिसका खून किया जा रहा था वो ज़िंदा रहेंगे बोल के ऐसा ख्याल इन्हों पेश कर रहे हैं। ठीक है तो ये जो द डीर द टाइगर एंड द डीर जो पोयम है हमारे पास ये क्या है ख़ासकर एक शेर और हिरन के ऊपर है कि किस तरह से एक शेर अपने हिरन को शिकार करता है और उसके बाद हिरन क्या सोचती है और लास्ट में शायर का क्या ख्याल है कि किस तरह से एक दिन ऐसा भी आएगा बोलकर इसके अंदर बता रहा। तो एक छोटी सी पोयम थी उम्मीद है आपको समझ में आए होंगी फिर भी और एक बार इसको अच्छा आप रिवाइज कीजिए सिंपल सी पोयम है और इसमें से दो या तीन नंबर के क्वेश्चन आने के फुल चांसेस हैं। ओके तो ठीक है जजाकल्ला शुक्रिया।